نے دیکھ لیا لیکن میاں سیتا تہیں نظر نہیں آ رہی، کہیں نظر نہیں آ رہی ہنومان کو۔ لیکن اسی سمے ہوا کیا، ایک ہنومان کے دماغ میں بات آئی ہے۔ کیا کیا بات آئی ہے؟ ارے مندر مندر پتی گھر شوتا، مندر مندر پتی گھر شوتا، دیکھا۔ کیا دیکھا ہے دور؟ کہ بھون ایک اپنی دیکھ سہاوا، بھون ایک اپنی دیکھ سہاوا، لیکن اس بھون یعنی گیٹ پہ کیا لکھا؟ رام 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 رام۔ لیکن جو ہی آنگن میں دیکھا تو آنگن میں تلسی کا پرچ ہے۔ ہنومان سوچنے لگی، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں میں سپنا دیکھ رہا ہوں۔ ہنومان نے بچار کیا یہ کیسے ہو گیا۔ رامائن میں کیا لکھا؟ ہنومان کے اندر ترک آنے لگا کہ لنکا نش چرن کرن واسا، لنکا نش چرن کرن واسا، جو یہاں پہ نواس کر رہا ہے۔ ہنومان نے وچار کیا، ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں یہ کوئی مایا ہے۔ لیکن نہ، ہنومان سوچ رہے اسی سمے ایک بات یاد آئی، کیا؟ ارے من مہ ترک کرن کپلاوا، من مہ ترک کرن کپلاوا، من مہ ترک کرن
कपिला देश में विभीषण दादा देश में विभीषण दादा समय माता बनो विभीषण जग गए शिवा का टाइम है ना विभीषण जग गए राम राम सीता राम राम सीता राम यही कहते हुए विभीषण चले आ रहे हैं। हनुमान ने विचार किया ये तो वास्तविक में एक कोई प्रभु श्री राम का भक्त है लेकिन बजरंगबली ने विचार किया ऐसा तो नहीं है माया हो। हनुमान ने क्या किया एकदम अपने शरीर को बदल लिया ब्राह्मण का रूप बना लिया और बना के ब्राह्मण का रूप हनुमान बंधो विभीषण के पास में आया। बिटिया बहनों भाइयों मस्तक पे तिलक है और गले में पीतंबर है तो दूर से आदमी जाना जा सकता है कोई जरूर भाई भगवान का भक्त जा रहा है। राम राम कहते हुए जाइए लोग कहेंगे प्रभु का भक्त है भक्त है। यही बंदो हनुमान ने देखा है विभीषण को सोचने लगे जरूर प्रभु श्री राम का भक्त है। जैसे बंदो पास में आए जो ही पास में आए रामायण में चौपाई एक लिखी है बड़ी प्यारी क्या अरे राम नाम कहे सुमिरन पीहा राम नाम कहे पहुंच पाओगे। हनुमान बोले भैया किधर है महल बोले सीधा चले जाओ आगे मिल जाएगा तुम्हारा उनका महल। जैसे हनुमान महल के पास में गए तो बिटिया बहनों भाइयों एक घटना हो गई। घटना क्या हुई सुलोचना के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। लंका में जब भी कोई लड़के का जन्म होता था तो रावण उसकी रेखाएं जरूर देखता था रेखाएं का देखता था अगर बंदो बढ़िया धर्मात्मा लड़का पैदा होता था तो रावण उसको समुद्र में मिटवा देता था। अब अगर कुकर्मी लड़का होता था तो रावण बंदो उसको लंका में रखता था। सुलोचना यानी मेघनाथ के एक पुत्र हुआ जो बंदो रावण ने देखा है उस लड़के को तो रावण ने विचार किया ये लड़का धर्मात्मा है ये तो भगवान का पूजा करेगा। आज बंधु रावण ने विचार किया अगर मैं इसको जिंदा रखूंगा तो मेरे राक्षस बंध में बाधा डालेगा। जैसे बंधु ऊपर उठा के पटकना चाहा उसी समय सुलोचना दोनों हाथों को जोड़ करके पारब्रह्म परमात्मा को याद करने लगी हे पारब्रह्म परमात्मा ऐसा कोई वीर श्रृंखला में नहीं है जो इसके हाथों से मेरा पुत्र बचा ले। हनुमान जी छोटा रूप बना के दिया के नीचे बैठे थे दिया के नीचे। हनुमान ने विचार किया लाओ इस पुत्र को मैं बचा लूं। जैसे सुलोचना ने कहा ऐसा कोई वीर लंका में नहीं है उसी समय हनुमान ने याद किया अनिमा शक्ति को और एकदम बहाया है रूप और बहा के रूप जो उछले लड़का लेकर बंधु ऊपर ही निकल गए। रावण नहीं जान पाया कौन आया कौन गया वो नहीं जान पाया लेकिन रावण थोड़ी देर बाद जब चला गया तो हनुमान उसी लड़के को लेके आए हैं। हनुमान कहने लगे हे भैया इस पुत्र को आप लीजिए। जैसे सुलोचना ने उस पुत्र को लिया है और जो ही देखा है तो बंधु सुलोचना कहने लगी मांगो क्या चाहिए तुम्हें
से कहां रहते हो, बानर का शरीर है लेकिन स्वभाव धर्मात्मा जैसा है, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान बहुत दुखी हो गए, बोले मैया कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें एक चीज दे दीजिए। सुलोचना बोली क्या दे दूं। हनुमान बोले हे मैया, मैं अयोध्या से आया हूं भगवान श्री राम की अर्धांगिनी यानी सीता मैया को तुम्हारे यहाँ के लंका के जो दशानन है वो चोरी से अपने लंका में ले आए हैं और अशोक वाटिका में रखा है। हे मैया, अगर आप अपने मस्तक का सिंदूर हमें दे दो तो मैं वहां तक जरूर पहुंच जाऊंगा। सुलोचना ने विचार किया, अगर मैं इसको मस्तक का सिंदूर दे दूंगी तो ये धर्म के विरुद्ध होगा, मैं पति पड़ता स्त्री हूं, मैं इसको मस्तक का सिंदूर नहीं दूंगी। हनुमान से कहने लगी, मैं नहीं दे पाऊंगी, जाइए मैं नहीं दूंगी। हनुमान कहने लगे, हे मैया, अगर आज अपने मस्तक का सिंदूर नहीं दिया तो मालूम क्या होगा, राजा जनक की स्त्री का नाम था भैया सुनैना और सुनैना की सगी बहन है सुलोचना। हनुमान बोले, हे मैया, अगर आप नहीं दोगी तो माता सीता क्या सोचेंगी कि मेरी मौसी ने सिंदूर नहीं दिया, क्या तुम्हें सोचेंगी। सुलोचना ने विचार किया, बात तो सही कह रहे हैं, आज मन तो उसी समय मस्तक का सिंदूर दिया और देख के सिंदूर हनुमान जी जैसे बंदो आज अशोक वाटिका में प्रवेश हुए। तो बंदो हनुमान किस वृक्ष के ऊपर भैया बैठे हैं, हनुमान किस वृक्ष के ऊपर बैठे, माता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी है उस वृक्ष का क्या नाम है, अशोक का पेड़ नहीं है। गलत बात, एक रामायण आती है मानस भ्रम पंजनी पुस्तक, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया जिस वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी है वो वृक्ष माता बनो शीर्षक का था, शीशम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैया सीता जी बैठी और हनुमान उसी वृक्ष के ऊपर यानी पत्तों के ओट में हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन उसी समय रावण आ गया, भैया रावण आया और मैया सीता को धमका रहा है, क्या धमका रहा, तो मैं तुझको जान से मार दूंगा, जान से। तो मैया सीता ने माता बनो बहुत बढ़िया बात कही, क्या बात कही माता सीता ने, सुन ए रावण, कि काटा थी कृपा दष्ट की तो, रावण काटा थी कृपा दष्ट की तो
ने मुझे पाने की इच्छा रखी थी, मेरे ऊपर तो इतना मोहित हो रहा था, तो उस भरे स्वयंवर में श्री धनवा ने क्यों नहीं तोड़ा तूने, क्यों नहीं तोड़ा? रावण कहने लगा ज्यादा बोलेगी तो अभी इसी तलवार से तेरा सर अलग हो जाएगा। उसी समय मैया सीता ने एक और बात कही, क्या क्या बात कही, किंतु तू योद्धा नहीं तो चोटा है। क्या बोली मैया, तू योद्धा नहीं तो चोटा है, हर के लाया मुझे अब याद है। मुद्री को लेकर माता सीता सोचने लगी, ऐसा तो नहीं माया ने बनाया है मुद्री। हनुमान एकदम नीचे आ गए और आने के बाद में हनुमान सारी बात बताया है, मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन मैया विश्वास नहीं कर रही। हनुमान कहने लगे हे मैया, राम दूत में मात जानकी और सप्त शपथ करुणा निधान की। हनुमान बोले हे भैया, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं, उन्हीं प्रभु का दूत हूं, उन्हीं करुणा निधान का दूत हूं मैं, जो बंधो करुणा निधान नाम सुना है। मैया सीता आज विश्वास हो गया। माता सीता जी ने हनुमान से बातचीत करने लगी, क्या हनुमान से बोली मैया सीता हे हनुमान, की कथा जयंता की कही, सब तुमसे समझाई, सो सब कहना प्रभु से सुदृत विश्वास बधाई। मैया सीता बोली हे हनुमान, अरे किस प्रकार से जनता ने आज पैर में चोट मारा तो तीनों लोगों में भगा भगा के प्रभु श्री राम ने मारा, लेकिन प्रभु श्री राम को पता नहीं क्या हो गया, रावण दशानन लंका में ले आया है, और वो प्रभु श्री राम जो तीनों लोगों में जयंता को भगाया था, आज उस प्रभु को याद नहीं आ रही। हनुमान बोले हे भैया, इतनी याद आती है प्रभु को, इतनी याद आती है, दिन रात आपका नाम लेते हैं, लेकिन हे भैया एक निवेदन है तुमसे। क्या मैया, ज्यादा दिन नहीं, बिल्कुल थोड़े दिन इंतजार करो। कि मार तनुजा प्रभु तुम लिवाई, मार तनुजा प्रभु तुम लिवाई, we'll be right back.
किस प्रकार से आप जनकपुरी से विदाई होकर आई थी, किस प्रकार से सहनाइया बज रही थी अयोध्या में, उसी प्रकार भगवान श्री राम जिस समय आएंगे सभी राक्षसों को मार के और तुम्हें पुनः ले जाएंगे अयोध्या, उसी प्रकार से बधाइयां बजेंगी। लेकिन हे भैया एक निवेदन है, थोड़े दिन इंतजार करो माँ, बिल्कुल थोड़े दिन। हनुमान बोले माँ भूख बड़ी तेज लगी है, सयोजन समुद्र नाद कर आया हूँ, पानी भी नहीं पिया हूँ, इतनी तेज प्यास लगी है, इतनी तेज भूख लगी है, हे भैया हमें कुछ भोजन की व्यवस्था बता दो, यहाँ कहीं है। माता सीता बोली है हनुमान बेटा यहाँ भोजन की तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन भोजन कर नहीं पाओगे, क्यों? आगे इतने इतने बढ़िया इसी बगिया में फल लगे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया फल लगे और सरोवर है, लेकिन वहां तक जा नहीं पाओगे, क्यों? इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हें एक ही बार में खत्म कर देंगे। हनुमान बोले मैया क्या भगवान श्री राम पर तुम्हें विश्वास नहीं है? माता सीता बोली है विश्वास। हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, कनक भूदराकार शरीरा यानी इतना विकराल रूप बनाया है। माता सीता को सागर से भाई इंद्र जनक को तय सुहाई, आज वही चूड़ामण हनुमान को दिया, लिया है चूड़ामण आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे वृक्षों को देखा फलों को देखा है तो माता बनो क्या लिखा है ध्यान देना, अरु खान सागर रक्षक सब मारे। बिटिया बहनों भाइयों शंका मत करना, शंका मत करना, अब अगर जइहौ न आप लोग बैठे रहिहौ तो लंका जो भूख जरूर दे, ओहे चाहे जौन चाहे लंका जो भूख है कहम का राख ना कह दिन हम भाई। बोले हनुमान जी महाराज की भाइयों हनुमान पेड़ों को उखाड़ते हैं फल कम खाए, अब पेड़ ज्यादा उखाड़े उखाड़े सगरे पेड़ समुद्र में डाल दे, पानी डाल है हनुमान, लेकिन उसी समय क्या हुआ, अरे तब रावण पहचारी तुकारी, तब रावण पहचारी तुकारी, सूचना दिया हे महाराज एक बानर आया है और पूरे बगिया को उजाड़ दिया, बंदो 80,000 बलवानों को रावण ने भेजा है, हनुमान बंदो इतना मोटा उखाड़ा पेड़ और सगरे राक्षसन को परे तो जौन आवा वही का सीता राम करते, अब की बात
रावण के लड़के का नाम था एक छोटा अक्ष कुमार। अक्ष कुमार को भेजा है हनुमान बंधु, आज इसको आकाश में ले गए और जो इन जाकर नीचे में कहा है दो खंड हो गए, दो खंड हो गए। अब की बार कौन आया? अब की बार मेघनाथ आ रहा है। बंधु मेघनाथ ने नहीं हनुमान को पकड़ पाया। एकदम भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया मेघनाथ और ब्रह्म भास में हनुमान को बांध लिया मेघनाथ ने। हनुमान को वरदान था किसी बंधन में नहीं बन सकते हैं हनुमान, ब्रह्मा जी का वरदान था। लेकिन सामने ब्रह्म अस्त्र देखा है, वीर बजरंग बली ने विचार किया अगर मैं बंधन में नहीं बंधूंगा विधि का विधान मिट जाएगा। ब्रह्मा जी का एकदम बंधन में बंध गए और बांध लिया हनुमान को। ले गए हैं कहां? लंका को, जहां पर बंधु रावण का दरबार लगा हुआ है। गद्दी पर बंधु सिंहासन पे रावण बैठा हुआ है। जैसे बंधु आए रावण बोलो भैया मेघनाथ, अरे ये वही बानर है जो अक्ष कुमार को मारा है, सभी राक्षसों को मारा और बगिया को यही उजाड़ के आया है। मेघनाथ बोला हाँ प्रभु, हाँ महाराज, ये वही बानर है जिस बानर ने सबको मारा है। रावण कहने लगा ये एक तुच्छ बानर और इतनी सेना को उसने मार दिया। रावण क्या बोले? रावण बोले ए बानर, अरे ये बता तूने मेरे राक्षसों को क्यों मारा, क्यों मारा? तो हनुमान बोले महाराज मैंने नहीं मारा, मैं नहीं कुछ कहता। क्यों क्यों? रावण बोला तूने नहीं मारा, अब तू ये भी कहेगा कि बगिया में फल नहीं खाया? हनुमान बोले महाराज फल तो खाया है लेकिन मालूम तो खाया समय किसी वृक्ष की जड़ निकल आई तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई लाग नहीं है। रावण कहने लगा अगर तेरे भूख लगी थी तो चोरों की भात क्यों आया, चोरों की क्यों भात आया? अरे पीरों की तरह मेरे पास नहीं आता, कहता भूख लगी मैं तेरे को भोजन देता। हनुमान ने एक ऐसी बात कह दिया रावण का मुंह बंद हो गया। हनुमान बोले महाराज की जय हो, देखो एक बात कहना चाहता हूँ। रावण ने कहा क्या कहना चाहता है बानर? हनुमान बोले महाराज मैंने रात में अगर चोरी करोगे तो दंड नहीं मिलेगा बल्कि कुछ इनाम मिलेगा और आप तो चोरी बता रहे हो। रावण बुद्धि समझ गया। रावण बोला बानर ये बता तू राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान बोले क्या कि मारा हमें मारा। हनुमान बोले महाराज मेरी गलती नहीं है, मारा हमें मारा या महा अवगुण
संतो हनुमान कहने लगे, महाराज अपने स्वयं शरीर की रक्षा करना चाहिए, मारा हमें तिनाई मई मारा और यामा अवगुण कौन हमारा। हे महाराज मुझको जिसने मारा मैंने उसको मारा, बाकी नहीं मारा किसी को। रावण बोला कहाँ रहता है तू, रहता कहाँ है बोल। तो हनुमान का बोले, अरे मात अंजना पवन कुमारा, मात अंजना पवन कुमारा, आप देख सकते हैं हनुमान मेरा नाम है। लेकिन रावण कहने लगा तू यहां क्यों आया, क्यों आया, क्या बात है, तू बंद हो। रावण कहने लगा बोल तू किसका दूत है, यहां क्यों आया। तो हनुमान एक बहुत बढ़िया बात कही, हनुमान बोले मैं उन्हीं का दूत हूं जिसने ये संसार बनाया है, जिसने हम और आपको बनाया उसी का दूत हूं। रावण बोला सही सही बोल, क्या बता रहा सही बोल। तो हनुमान बोले सुनो सही क्या है, क्या बोले, अर्शो पता था सन किए न कुचाले, ए रावण मैं उन्हीं का दूत हूं को मार दिया, उन्हीं का दूत हूं जिसने बाली का पथ कर दिया, मैं उन्हीं का दूत हूं। रावण कहने लगा क्या तू कह रहा, क्या कह रहा, अरे यहां क्यों आया। हनुमान बोले हे रावण मैं जानता हूं तेरी बात, जानता हूं। रावण बंदो सब पका गया। रावण सोचने लगा हमारे हाँ जितनी कन्याएं हैं भंडारा देखो बिटिया बिना चालू हो गया यानी तैयार हो गया, तो जितनी कन्याएं हैं खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ।